पर जैसे कि आपको बताई है कि मैंने वादा किया था कि बेहद ही जल्द मैं आपको कुछ ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगा जिसका यूज करकर आप अपने स्मार्टफोन से ही 3D मॉडल बना सकते हैं। और जब मैंने ये कहा था तो काफी सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि हाँ यार वीडियो चाहिए। तो लो यार वीडियो आ गया। अब मैं देखता हूं कि आप 3D मॉडल कैसे बनाते हैं। वैसे इस वीडियो में मैं आपको जो जो ऐप बताने वाला हूं इनमें से कुछ ऐप ऐसी है जो परचेज करनी पड़ेगी, मतलब उन ऐप को यूज करने के लिए सिंपल आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, बट कुछ ऐप ऐसी भी है जिसे आप फ्री में यूज कर सकते हैं। अब एक बात समझ लीजिए कि जो 3D मॉडलिंग है ना आज के वक्त में काफी ज्यादा फेमस हो चुकी है। कई सारी हॉलीवुड बॉलीवुड या फिर एनिमेशन मूवी में यूज की जाती है और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं वहां पर भी 3D मॉडल का यूज किया जाता है। और एक बात जानकर आपको बेहद ही हैरानी होगी कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर में बैठकर 3D मॉडल बनाते हैं और कई सारे ऐसे वेबसाइट है जहां पर जाकर वो अपना 3D मॉडल $100 $200 $500 में बेच देते हैं। हाँ, यानी कि आप 3D मॉडल बनाकर बेचकर भी पैसा कमा सकते हैं और 3D मॉडलिंग में आप अपना करियर भी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बट देखिए एक बात समझ लीजिए कि 3D मॉडल बनाने के लिए वैसे तो आपके पास एक अच्छा खासा लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें आप काफी अच्छे से 3D मॉडलिंग कर सकते हैं। बट अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन से। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ बेहतरीन और कमाल की ऐसी ऐप जिसकी मदद से आप 3D मॉडल बना सकते हैं। तो चलिए फिर टाइम पास क्यों करते हैं, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम इरफान और आप देख रहे हैं टेक। तो हमारी लिस्ट में जो सबसे पहले ऐप है इसका नाम है पैटी 3D। और मैं आपको बता दूं कि ये काफी फेमस ऐप है, काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट इस ऐप को यूज भी करते हैं। इस ऐप की सबसे कमाल की बात ये है कि यहाँ पर आपको एप्पल पेंसिल का भी सपोर्ट मिल जाता है और ये 3D टच को भी सपोर्ट करती है। बट इस ऐप को यूज करने के लिए सबसे खास बात ये है कि आपके स्मार्टफोन में काफी तगड़ा प्रोसेसर होना चाहिए तभी आप बिल्कुल स्मूथ यहाँ पर एडिटिंग कर पाएंगे, यानी कि 3D मॉडल डिजाइन कर पाएंगे। साथ साथ में अगर मैं बात करूं यहां पर फाइल की तो यहां पर आप बिल्ड कर सकते हैं OBJ फाइल और STL फाइल, यानी कि इन दोनों फाइल में आप फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट एक बार मैं फिर से बता दूं कि आपके पास iPhone 6 और iPad Air 2 होना चाहिए या फिर इससे भी ऊपर का मॉडल होना चाहिए। अब यहां से आपको अंदाजा आ गया होगा कि जो ऐप है ना ये सिर्फ और सिर्फ iOS के लिए है, ये एंड्रॉइड के लिए नहीं है। साथ साथ में अगर मैं बात करूं यहां पर मटेरियल्स की तो लाइक आप यहां पर प्लास्टिक टाइप का भी मॉडल बना सकते हैं, सिरामिक इफेक्ट भी दे सकते हैं, गोल्डन इफेक्ट भी आप दे सकते हैं और साथ साथ में इस पर आप लाइट वगैरह इफेक्ट भी डाल सकते हैं। हाँ, कभी कभी थोड़ी सी यहाँ पर आपको इफेक्ट कम दिखाई देगी बट ये काम काफ़ी अच्छे से करती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रिकॉर्डिंग की तो यहाँ पर जब आप अपना मॉडल बना रहे होंगे तब आप पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं हाई रेजोल्यूशन में, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप अलग एंगल से भी वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं। मैं स्क्रीन की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट का वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुल मिला के मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां पर आप एक परफेक्ट 3D मॉडल बना सकते हैं, मगर ये जो ऐप है ये फ्री ऐप नहीं है। अगर आप आईफोन यूजर है यानी कि आपके पास आईफोन है तो आपको लगभग $4.99 यानी कि लगभग $5 खर्च करने होंगे, इसके बाद ही आप इस ऐप का यूज कर सकते हैं। बट मैं बिल्कुल श्योर हूं कि यह ऐप एक ऐसी ऐप है जहां पर आप काफी अच्छा 3D मॉडल बना सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि OBJ और STL में आप फाइल यहां पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो सिंपल है आपका फाइल जब रेडी हो जाएगा तो आप उसे कहीं पर सेल भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छी ऐप है। अगर आप कोई स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं या फिर किसी का फेस बनाना चाहते हैं या फिर मेरा फेस बनाना चाहते हैं तो आप इस ऐप को ट्राई कर सकते हैं, बट इस ऐप को परचेज करना पड़ेगा। ओके, तो अगर आप इस ऐप को ट्राई करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद की जो ऐप है ये एंड्रॉइड यूजर के लिए है और सबसे कमाल की बात ये है कि ये ऐप जो है वो बिल्कुल फ्री है, यानी कि आप अभी इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप का नाम है D3D। और इस ऐप की अगर मैं बात करूं फीचर्स के बारे में तो सबसे पहले तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ OBJ फाइल को ही सपोर्ट करता है। OBJ किसी भी तरह की यूनिवर्सल फाइल हो ये उसे सपोर्ट कर लेगा। साथ साथ में यहां पर आप फेस एक्सट्रूड और इंट्रूड भी जो है वो कर सकते हैं। अब इसका क्या झोल है तो मैं आपको समझा दूं कि अलग अलग तरह के फेस मॉडल अगर आते हैं तो उसे आप चेंज कर सकते हैं, थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। साथ साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मॉडिफाई की तो वर्टिस फेस और एजेस को भी आप ऐड कर सकते हैं, उन्हें भी थोड़ा हद तक मॉडिफाई जो है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। साथ साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डायनामिक टोपोलॉजी की तो ये भी आपको यहाँ पर फीचर्स मिल जाता है। और अगर हम बात करें थोड़े आगे फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर आप
पेंट और टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं और उन्हें भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया उस पर अगर आपने अलग अलग तरह के टेक्सचर लगा दिए तो उसे भी आप अलग से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साथ साथ में अगर मैं बात करूं यूवी एडिटर की, साथ साथ में अगर हम यहाँ पर और चीज़ें ऐड कर, जैसे कि अनवर्प मॉडिफाई है, बॉक्स शेप है, बूलिंग ऑपरेशन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, सब डिविजन बाय एज सेंटर कर्व, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, ड्रो मास्क भी कर सकते हैं। और अगर आप अपना प्रोजेक्ट रेडी करते हैं तो उसे आप अपनी गैलरी में भी सेव कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये किसी भी तरह की स्टाइलिश पेन को सपोर्ट नहीं करती है, बाकी की ये ऐप जो है वो काफी कमाल की धमाकेदार है। तो अगर आप इस ऐप को ट्राई करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद की जो ऐप है ये उन लोगों को काफी पसंद आएगी जब वो छोटे थे और जो मिट्टी के छोटे छोटे घर बनाया करते थे या फिर मूर्ति बनाया करते थे, उसी तरह की ही ये ऐप है। इसका नाम है स्कल्प्ट और इसका मतलब होता है खोदना। यहाँ पर आप एक अच्छी खासी मूर्ति बना सकते हैं, चेहरा बना सकते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं और उसे भी आप 3D मॉडल में कन्वर्ट करके चाहे तो बेच भी सकते हैं। तो ये जो ऐप है ये खास तौर पर मैं आपको बता दूं एंड्रॉइड यूजर के लिए है, बट ये नहीं बताऊंगा कि पैसे वाली है या नहीं है, उसके लिए तो आपको खुद जाकर चेक करना पड़ेगा। खैर अगर हम बात करें इसके कुछ फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर पहले तो आप मल्टीपल स्कल्प्टिंग टूल्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड, स्मूथ, इनफ्लेट, मूव, पुल पुश, ट्रीम, फ्लैट, क्रैश, रूटेड और भी कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसका यूज कर आप काफी अच्छा एक घाट या फिर हम कहें कि एक स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। अगर आप एक छोटा मोटा गिफ्ट भी बनाना चाहते हैं तो इसका वो भी आप बना सकते हैं। और सबसे कमाल की बात कि ये स्टाइलिश पेन को सपोर्ट भी करता है, जिससे होता ये है कि ये काफ़ी अच्छे से फ्रेंडली हो जाता है। इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो काफ़ी फ्रेंडली हो जाता है, आप बड़ी आसानी से स्टाइलिश पेन से काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और अगर आपने अच्छा स्ट्रक्चर बना लिया तो सिंपल है भाई, आप उसे ऑनलाइन बेच भी सकते हैं। तो मेरे हिसाब से काफ़ी कमाल के ऐप है, बट ये अभी भी मैंने नहीं बताया कि यह ऐप परचेज करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, तो वो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ही पता चलेगा। तो अगर आप इस ऐप को ट्राई करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद की जो हमारी सबसे लास्ट वाली ऐप है वो है 3DC.io। IO का मतलब ये नहीं कि आईफोन के लिए भाई, ये एंड्रॉइड के लिए है। तो जितने भी एंड्रॉइड यूजर है वो काफी खुश हो जाएंगे क्योंकि ये ऐप पहले तो फ्री है और इसका जो यूजर इंटरफेस है वो काफी फ्रेंडली है, काफी अच्छे से यहां पर आप 3D मॉडल बना सकते हैं। तो पहले मैं आपको इस ऐप के कुछ खास फीचर्स के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको यहां पर काफी अच्छा फ्रेंडली कैमरा मिलता है। फ्रेंडली कैमरे का मतलब यह है कि यहाँ पर आप काफी अच्छे से मॉडल को 3D मतलब रोटेट कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, काफी अच्छे से आप अपने मॉडल को देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें बिल्ड की, तो यहाँ पर आप काफी सारी चीजें बिल्ड कर सकते हैं, जैसे कि प्लेन है, कार है, फोर्ट है, स्नोमैन है, कार्टून कैरेक्टर भी आप यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं, कॉफी कप भी आप यहां पर बिल्ड कर सकते हैं। तो समझ सकते हैं ना, ये ऐप एक स्टार्टअप हो सकती है आपका 3D मॉडल बनाने के लिए। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको काफी सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप काफी सारे अलग अलग तरह के शेप बना सकते हैं या फिर ऑलरेडी आपको यहाँ पर कई सारे शेप जो है वो मिल जाते हैं, उनका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप 3D में टेक्स्ट भी जनरेट कर सकते हैं, यानी कि उन्हें भी बना सकते हैं, अलग अलग तरह की इफेक्ट भी दे सकते हैं। अंडो रीडो का भी तो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल ही जाता है। साथ साथ में अगर आप यहाँ पर अपना कोई 3D मॉडल बनाते हैं तो उसे आप यहाँ पर वीडियो बनाकर शेयर भी कर सकते हैं। बेंडिंग के भी काफी सारे आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं, एनिमेटेड इन और 3D मॉडल्स, यानी कि अगर आप अपना कोई 3D मॉडल बनाते हैं तो उसमें एनिमेटेड इफेक्ट भी जो है वो डाल सकते हैं। इसके साथ साथ यहां पर आप VR में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने कोई 3D मॉडल बनाया तो आप उसे VR में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको कुछ और टूल की भी जरूरत पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से काफी कमाल के और जबरदस्त ऐप है, इस ऐप का यूज कर आप स्टार्ट कर सकते हैं 3D मॉडलिंग बनाना या फिर मैं कहूं कि 3D मॉडल बनाना, काफी कमाल की ऐप है। तो अगर आप इस ऐप को ट्राई करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने उन सभी दोस्तों को जिन्हें 3D मॉडलिंग करना अच्छा लगता है या फिर आप उन्हें सिखाना भी चाहते हैं। और अगर आगे भी आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं नए ऐप्स के बारे में, नए गेम के बारे में, तो सिंपल है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको डेली नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना दोस्तों, टेक केयर, बाय। 3D मॉडल 3D मॉडल।